नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूटो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए ये खबर मैनपुरी के करहल से। करहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नाकू में आंगनवाड़ी में पढ़ने गए छात्र की करंट लगने से हुई मौत। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद मैनपुरी के करहल से है। जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार व एसडीओ ने मुआवजे का आश्वासन दिया है। बताते चले कि करहल तहसील क्षेत्र के ग्राम नाकू में आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने गए 5 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई करंट लगने से। बताया जाता है कि सुबह आंगनवाड़ी केंद्र गया था। आंगनवाड़ी कंपोजिट विद्यालय के अंदर विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र नई बिल्डिंग में शौचालय बने हुए हैं, जो आंगनवाड़ी कभी खोलता है कभी नहीं खोलता। विद्यालय में आने वाले बच्चे ने सूचना सह अध्यापक इदरीस को दी। तुरंत मौके पर जाकर बच्चे को उठाया गया। बच्चे को उठाते समय उनको भी करंट लगा। वहीं बता दें तो पोल के सहारे लगे अर्थ के तार में करंट आ गया, जिससे चिपक कर बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। विद्युत पोल विद्यालय के मेन गेट के पास खड़ा है, जिससे छोटे छोटे बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। बताया जाता है इसकी सुनवाई न करते हुए कोई समाधान नहीं निकाला गया। हालांकि विद्युत अधिकारी एसडीओ खबर के बाद मौके पर पहुंचे। बताया जाता है कि विद्यालय में बने शौचालय दिव्यांग शिक्षकों बच्चों के लिए अलग अलग बने हुए हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र का शौचालय अलग है जो बंद था, जिस कारण बच्चे को बाहर जाना पड़ा। आंगनवाड़ी सहायिका ने बताया कि कहीं ना कहीं हम सबकी लापरवाही के चलते बच्चे की जान गई है। आंगनवाड़ी का शौचालय खुलता नहीं है। बच्चे की मौत पर परिजन आक्रोशित हो गए और स्कूल परिसर में शव को रखकर जमकर हंगामा काटा। शव को उठने नहीं दिया। जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार करहल ने मुआवजे का आश्वासन देते हुए मदद करने की बात कही है। क्या नाम है आपका? किस गांव की है? अच्छा, यहाँ क्या करती है? सहायिका है। सहायक अध्यापक है। क्या कहना चाहती हैं आप? जो बच्चा खत्म हुआ करंट से, क्या कहेंगे? यह कहना चाहते हैं यहाँ पर सड़क हो, अच्छी सी बच्चे निकल जाएं, और ये करंट वहाँ पे लगे उसकी कोई सुविधा करी जाए तो ये बच्चे सेफ ना बचे, ये चाह रहे हैं। अच्छा, शौचालय नहीं खुलता आपका? तारे खुले खोल दे तो जगह के बच्चा सब बेकार कर जाए, तो बच्चा वो खुलते नहीं। तो शौचालय होते तो जो है गंदगी करने के लिए, गंदगी करने के लिए तो उसे कोई साफ नहीं करता है। गांव के बच्चे कट जाते हैं, इसलिए बच्चे वहाँ घुलते नहीं, ये साफ करते हैं। पैसा भी करने जा रहे हो तो बच्चा अब आज ये हादसा हो गया, कहीं ना कहीं आप लोग भी तो जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार तो है, प्राइमरी में बच्चा आ तो अपनी बहनों के साथ में, तो वो बहनों के साथ में बैठा तो हम लोगों के स्कूल में हमारे में। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रभा। अच्छा, यहाँ सहायक अध्यापक है। ये मामला सागर नाम का बच्चा है, लगभग 3.5-4 साल का है। इनके पिता का नाम श्री रमन कुमार है। सुबह स्कूल आया था वो। ये जो पोल लगा है स्कूल के पास, इसमें एक अर्थिंग पॉइंट लगा है। अर्थिंग पॉइंट में किसी कारणवश करंट आ गया, बच्चा खेलता हुआ उसके पास चला गया तो उसको करंट लग गया। करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई मौके पर। अच्छा, क्या मुआवजा आपकी तरफ से दिया गया, क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, हम इसमें चूँकि बिजली विभाग का पोल था उसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हुई है, तो इसमें जो मुआवजा देते हैं बिजली विभाग ही देता है। हम अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज देते हैं। ठीक सर, थैंक यू सर।